हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। हम लोग यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमारा क्या चल रहा था, फंडामेंटल चल रहा था। फंडामेंटल में कई सारे टॉपिक करवा रखा है, जैसे कि इवोल्यूशन हो गया, जनरेशन हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, और डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, और मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ये सब मैंने काफी डिटेल में बताया है, मतलब कि बेसिक से एडवांस लेवल तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको मैंने कलेक्शन किए। बाकी जहाँ से लग रहा था कि क्वेश्चन पूछे जा सकते वो सब मैंने करवा रखा है। और अब से हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अब तक ये क्या चल रहा था, बेसिक चल रहा था, फंडामेंटल। फंडामेंटल तो कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन अब क्या है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट भी साइड से करते चलेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फंडामेंटल तो क्लियर होते जाएगा, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि वो जो नेटवर्क होता है, मेनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर की, उसको क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं, लैंड कहते हैं। लैंड का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं, ये इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट होता क्या है। तो ये क्या है, नेटवर्क के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इंट्रानेट क्या होता है, जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे मैनेजर है और इसके अंदर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, तो ये इसको कहते हैं हम लोग इंट्रानेट, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेट हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रानेट, मतलब कि बाहर वाले जो पब्लिक लोग हैं वो इस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि जैसे हमारा ये बैंक है, SBI बैंक है मान लेते हैं हम लोग, और इसके कई सारे ब्रांच हो सकते हैं, तो अगर ये हर अपने एक ब्रांच से ओनली कनेक्शन चाहता है कि कनेक्ट होना चाहता है, डेटा शेयर करना चाहता है, डेटा रिट्रीव करना चाहता है, तो यहाँ पे यूज होगा एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। और उसके बाद अगर हमको वर्ल्ड वाइड से कनेक्टिविटी चाहिए तो ये हो जाता है हमारा इंटरनेट। मतलब कि अगर एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है डेटा शेयरिंग का, डेटा रिसीविंग का, तो ये क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड हो रहा है कम्युनिकेशन तो हमारा होता है इंटरनेट। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रानेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड से कौन कनेक्टेड रहता है, तो कौन रहता है हमारा इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर फुल डुप्लेक्स मोड इज। यहाँ पे कह रहा है कि फुल डुप्लेक्स मोड का कौन सा एग्जाम्पल है, टेलीफोन है, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग है, बोथ है, या फिर टेलीविजन है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि फुल डुप्लेक्स मोड होता क्या है। तो जैसे देखो, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है एक सिंप्लेक्स मोड में होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है हमारा फुल डुप्लेक्स। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि सिंप्लेक्स क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कोई इनपुट टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग इनपुट दे रहे हैं, उधर से तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जो हमारा ओनली वन डायरेक्शन हो इसको कहते हैं हम लोग सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन बट एट आ टाइम, मतलब कि बोथ डायरेक्शन हो रहा है कम्युनिकेट, इधर से ये भी डेटा सेंड कर रहा है, इधर से ये भी डेटा कर रहा है, बट एट आ टाइम, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही कर सकता है एक बारी में, दोनों एक बार नहीं कर सकता है, पहले ये करेगा फिर ये रिसीव करेगा फिर इसको ये करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है वॉकी टॉकी, जैसे आप आर्मी मैन को देखे होंगे बात करते हुए, तो वो जो होता है वो होता है किसका, हाफ डुप्लेक्स, दोनों एक बार में नहीं बोल सकता, पहले इधर से कुछ रिसीवर बोलेगा, सॉरी सेंडर बोलेगा, फिर वो रिसीव करेगा, फिर रिसीवर रिप्लाई करेगा, तो ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, मतलब कि बोथ साइड होगा लेकिन एट अ टाइम, एक बार में एक ही होगा। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ
direction. In different time, sorry, same time. मतलब कि जैसे हम लोग फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि हम लोग एक बार में एक ही लोग बात कर, दोनों आपस में बात कर रहे होते, रिप्लाई कर रहे होते, बात कर रहे होते, रिप्लाई कर रहे होते साइमल्टेनियसली. तो ये क्या एग्जाम्पल हो जाता है, फोन डुप्लेक्स का. तो यहाँ पे टेलीफोन है, टेलीफोन क्या हो जाएगा, फोन डुप्लेक्स हो जाएगा. इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग है, इंटरनेट में लोग कोई भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो भी फोन डुप्लेक्स में आएगा. और यहाँ और टेलीविजन, टेलीविजन से हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिर्फ डेटा उधर से आ रहा होता है, हम लोग रिप्लाई तो नहीं करते ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा ए एंड बी. ए एंड बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर. हम लोग कंप्यूटर में जो डेटा शेयर करते हैं किसके थ्रू करते हैं, लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं, नेटवर्क के थ्रू, ग्रुपिंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम. तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, नेटवर्क के थ्रू करते हैं. नेटवर्क का डेफिनेशन ही होता है कि अगर हम लोग दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब कि वो नेटवर्क में है. तो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड. जैसे कि पहले मैंने बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ डायरेक्शन होना चाहिए बट नॉट बट द सेम टाइम. मतलब कि सेम टाइम नहीं, एट अ टाइम, एक बार में एक ही लोग भेज रहा है डेटा, या तो रिसीव कर रहा है या तो सेंड कर रहा है. मतलब कि सिंप्लेक्स मोड होगा या फिर हाफ डुप्लेक्स मोड होगा या तो फुल डुप्लेक्स मोड होगा या डुप्लेक्स मोड है, तो वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स. बी इज द राइट आंसर. हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो बोथ डायरेक्शन तो होता है लेकिन एट अ टाइम, मतलब कि एक बार में कोई एक ही सेंड कर सकता है या फिर रिसीव कर सकता है. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे इन विच कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड. यहाँ पे कह रहा है जो हमारा कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड कहते हैं, ट्रांसफर मोड कहते हैं, सेंडिंग मोड कहते हैं, रिसीविंग मोड कहते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड कहते हैं. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन. हम लोग डेटा को जो अपलोड करते हैं उसका बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, स्टोरिंग डेटा ऑन अ डिस्क ड्राइव, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ होस्ट कंप्यूटर, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ होस्ट कंप्यूटर, सॉर्टिंग डेटा ऑन अ हार्ड ड्राइव. तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन अपलोडिंग होता है वो क्या होता है, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ होस्ट कंप्यूटर, मतलब कि हमारे कंप्यूटर से डेटा सेंड हो रहा है कहीं, तो वो क्या कहलाता है, अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम इन अ कंप्यूटर विच ट्रांसलेट्स एन आईपी एड्रेस इनटू एन ईजीएफ नेम इज कॉल्ड. यहाँ पे कह रहा है कि आईपी एड्रेस जो होता है हमारा, इसको कौन ट्रांसलेट करता है ईजीएफ नेम में. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम. बी इज द राइट आंसर. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हम लोग जो भी गूगल पे सर्च करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, जैसे हमें अभी बिहार स्टार सर्च करना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बिहार स्टार सर्च कर लेते हैं, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है. लेकिन इसका एक क्या होता है, पर्टिकुलर आईडी होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं. कंप्यूटर हमारा ये आईपी एड्रेस समझता है, हम लोग जो टाइप करते हैं वो नहीं समझता है, फिर ये कन्वर्ट करता है कि इसमें आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिर वो सर्च करता है. तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग इतने सारे आईपी एड्रेस को याद रख सके. तो हम लोग आईपी एड्रेस को याद नहीं रखते, जस्ट हम लोग नेम से सर्च करते हैं और फिर वो कन्वर्ट करता है, कौन करता है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, फिर वहां से हमारा कंप्यूटर समझता है, अंडरस्टैंड करता है. तो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप लेवल कंप्यूटर डोमेन्स एक्सेप्ट. क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सारे जो है वो टॉप लेवल डोमेन है बाकी एक को छोड़कर. तो फर्स्ट है ईडीयू, सेकेंड है ओआरजी और थर्ड है गवर्नमेंट और दूसरा है आर्मी. तो फर्स्ट क्या होता है, एजुकेशन के लिए है, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, थर्ड गवर्नमेंट के लिए. और आर्मी जैसा कोई भी डोमेन नेम नहीं होता है, इसका क्या होता है, मिलिट्री होता है, .mil.
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो कंप्यूटर या फिर दो नेटवर्क या दो से ज्यादा जो आपस में कनेक्टेड है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेटवर्क कहते हैं, लैन कहते हैं, मैन कहते हैं, वैन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो लेजिटिमेट चैनल नहीं है, मतलब लेजिटिमेट मतलब होता है कि ओरिजिनल कह सकते हो, मतलब कि ठीक सही। तो पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, सी है फुल डुप्लेक्स और डी है डबल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन मोड जो होते हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंप्लेक्स होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होते हैं और फुल डुप्लेक्स होते हैं, डबल डुप्लेक्स जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेसेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें कोई बड़ा बिजनेस ओपन करना है तो हमें कौन सा नेटवर्क का स्ट्रक्चर बेस्ट सूट करेगा, जैसे रिंग है, लोकल एरिया है, हायरार्किकल है, स्टार है। जो हमारा बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी, डी इज द राइट आंसर। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि बीच में जैसे हमारा यहाँ पे या तो स्विच हो सकता है या तो हब हो सकता है, और इसके थ्रू हमारा क्या होता है, सारा कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं ये कनेक्टेड होते हैं। तो राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया देन मैन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है मैन से भी बड़ा, मतलब कि मैन का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैंड का क्या फुल फॉर्म होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा, क्योंकि वैन होता है जो मैन से बड़ा होता है, और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। यहाँ पे कह रहा है कि पैरिटी बिट्स जो होता है वो किस पर्पस से यूज किया जाता है। ए में है इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, बी में टू ट्रांसमिट फास्टर, टू डिटेक्ट एरर्स, टू आइडेंटिफाई द यूजर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पैरिटी बिट्स होता क्या है। जैसे कि हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक हमारा सेंडर है और ये हमारा चैनल है और एक हमारा रिसीवर है। तो सपोज डेट सेंडर ने डेटा को सेंड किया, ये इस चैनल से जा रहा है हमारा डेटा, और सपोज डेट बीच में कोई करेक्शन हुआ, कुछ एरर हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा डेटा में चेंजेस हो गया। अब जैसे सपोज डेट हमने डेटा को चेंज सेंड किया, ये कुछ ऐसा डेटा, और यहाँ पे क्या रिसीवर के पास पहुंचा, मतलब कि एक डेटा, एक बिट या फिर दो बिट चेंज हो गया। तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डेटा आने वाला था वो चेंज हो चुका है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग पैरिटी बिट चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। तो पैरिटी बिट हम लोग क्या चेक करते हैं, इंक्रिप्शन के लिए नहीं चेक करते हैं। इंक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को इनक्रिप्ट करना। टू ट्रांसमिट फास्टर, फास्ट होने के लिए हम लोग पैरिटी बिट्स नहीं लगाते हैं। टू डिटेक्ट एरर, एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पैरिटी बिट्स लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म द। यहाँ पे कह रहा है कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं इंटरनेट के फॉर्म में, www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवेन बाय इट्स।
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो लोकेशन होता है जहाँ हम लोग ब्राउजर में सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उस लोकेशन को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, ईमेल एड्रेस कहते हैं, आईसीक्यू कहते हैं। आईसीक्यू जैसा कुछ चीज होता नहीं, उसको क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एच टी टी पी स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्या रहा है कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टर्मिनल ट्रैकिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। और समटाइम क्या होता है कि एच टी टी पी एस भी लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर, मतलब कि प्रॉक्सी सर्वर हम लोग क्यों यूज करते हैं? विद एक्सटर्नल एक्सेस, एक्टिंग एज अ बैकअप, परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग, एक्सेसिंग यूजर परमिशंस। तो हम लोग जो प्रॉक्सी सर्वर होता है हम लोग यूज भी करते हैं एक्सटर्नल डेटा को एक्सेस करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं प्रॉक्सी बना लेते हैं उसके बाद डेटा को एक्सेस करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल डेटा को एक्सेस करने में। तो जो सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल डेटा को प्रिवेंट करता है वो होता है हमारा फायरवॉल। तो ए इज द राइट आंसर। और ये फायरवॉल जरूरी नहीं सॉफ्टवेयर ही होगा, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से कह रहा है कि वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है, तो आप देखिए और बताइए कि कौन सा वैलिड है। तो जो हमारा ईमेल आईडी होता है वो होता है कुछ जैसे कि हम लोग कुछ भी अपना पहले डोमेन नेम देते हैं, फिर @gmail.com ऐसा ही कुछ देते हैं। तो इस तरह का कौन सा ईमेल आईडी हमें मिल रहा है? यहाँ पे देखिए इसमें @ है ही नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए डॉट नहीं है, .com रहना बहुत जरूरी है, तो ये नहीं थी इसलिए ये खत्म हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे @ के बाद कुछ ना कुछ जो भी हमारा जीमेल है, जैसे जीमेल का है तो जीमेल का होगा, रेडिक मेल का है तो रेडिक पे होगा, तो वो उसका एक्सटेंशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा java@point.com। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है? HTML है, नेट बी यू आई है, TCP/IP है, IPX SPX है। तो कौन सा है? TCP/IP। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, इसी को कहते हैं हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारा स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग भी होता है, बस भी होता है, पीयर टू पीयर जैसा कोई भी टोपोलॉजी नहीं होता है। जैसे हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, एक हमारा बीच में सेंडर में हब होता है या फिर स्विच होता है और इससे हमारा कनेक्टेड होता है, तो ये होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है कि जैसे हमारा एक सिस्टम यहाँ पे फिर से कनेक्टेड यहाँ पे रहेगा, फिर से कनेक्टेड यहाँ पे रहेगा, फिर से कनेक्टेड यहाँ पे रहेगा, इस तरह से मतलब रिंग के जैसा कनेक्टेड होता है। और बस में क्या होता है कि एक बैकबोन होता है, केबल कह सकते हैं, और फिर इसके थ्रू हमारा क्या होता है? सिस्टम कनेक्टेड होता है। बट पीयर टू पीयर जैसा कोई भी टोपोलॉजी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉट कह रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम। यहाँ पे IPv4 डेटाग्राम का मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है बाइट में। तो 32 बाइट होता है, 1020 बाइट होता है, 65535 होता है और 512 होता है। तो जो हमारा IPv4 का डेटाग्राम का साइज होता है वो होता है 65535। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है IPv6 का लेंथ क्या है। तो 32 बिट्स होता है, 64 बिट्स है, 128 बिट्स है और 256 बिट है। तो IPv6 एड्रेस का लेंथ होता है 128 बिट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज, वहाँ पे IPv6 था तो यहाँ पे IPv4 है, तो IPv6 का होता है 128 और IPv4 का होता है 32 बिट। द राइट आंसर इज 32 बिट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म IANA स्टैंड फॉर, यहाँ पे पूछ रहा है कि IANA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IANA क्या होता है कि अथॉरिटी होता है जो IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा सिस्टम का भी IP एड्रेस होता है, तो वो उसके कौन प्रोवाइड करता है, IANA करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि IANA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी होता है, इंटरनल असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटेटिव, इंटरनल एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटी। तो IANA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, ए इज द राइट आंसर। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे नेटवर्किंग के, एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, सोलर के अगर किसी का थ्योरी नहीं भी क्लियर होगा, भूल गए होंगे या फिर माइंड से निकल गया होगा, स्किप हो गया होगा, तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिक्स हम लोग एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।